हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं, तेरी ही याद। राधे राधे दोस्तों, आज हम बनाएंगे मूली का पन्ना। उसके लिए हमने 3 मूली लिए थे, काट धोकर छीलकर इसे हमने काट लिए हैं। काट के आधा घंटा पंखे के नीचे या तो धूप में हल्का सा सुखा लीजिए, जिससे पानी जो है सूख जाए। हमने सुखवा लिया है। यहाँ पे हमें मसाले चाहिए, सरसों, लहसुन, हल्दी। यहाँ पे हमने कढ़ाई रखी है, कढ़ाई गर्म हो गई है। कढ़ाई गर्म हो गई है, इसमें हम तेल डालेंगे। तेल गर्म हो गया है, कुछ मेथी के दाने डालेंगे। मेथी लाल हो गया है, इसमें हम मूली, हरे मिर्च जो काट के सुखवाए हैं उसे भी डालेंगे। इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। इधर हमने जो मसाले लिए हैं पीस लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। देखिए हल्का सॉफ्ट हो गया मूली। इसे 1 मिनट लिए और थोड़ा सा भूनेंगे। यहाँ पे हमने मसालों को पीस लिया है। हमने मीडियम आंच पे 2 मिनट तक इसको और भूना है। देखिए हल्का हल्का ब्राउन हो गया है। अब इस टाइम पे हम जो मसाला हमने पीसे हैं उसे डाल देंगे। आंच को धीमी रख देंगे, ढककर 2 मिनट तक इसे पकाएंगे। 2 मिनट हो गए हैं, चलिए देखते हैं। अभी हल्का सा और भुनना है जिससे मसाले अच्छे से पक जाएं। एक मिनट के लिए और ढक देंगे। 1 मिनट हो गया है, ढक्कन को हमने खोल दिया है। इसमें नमक डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार से थोड़ा ज्यादा ही पड़ता है, क्योंकि इसमें खट्टापन के लिए नींबू या तो इमली का पल्प डालिए। हम यहाँ पे नींबू डालेंगे। अब इसमें नमक डाल के धीमी आंच पे थोड़ी देर के लिए इसे छोड़ देंगे। 1 मिनट हो गया है, मूली गल गई है, पक गई है एकदम। यहाँ पे हमने 1 से 2 चम्मच नींबू का रस लिए हैं। आप इसमें इमली का पल्प भी डाल सकते हैं। गैस को बंद कर देंगे। मूली का पन्ना रेडी है। आप सब इसे पराठा, रोटी, दाल चावल सिंपल सा बनाइए, खाइए। बच्चे भी इसे बहुत चाव से खाते हैं, चटपटा होता है, खाने में टेस्टी लगती है। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर देखिएगा। थैंक यू।